जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आजकल मैं हूँ खरड में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ और ये मेरा पीजी है और ये है हमारे रूममेट नीरज भाई। और ये देखिए आप, ये मेरा रूम, ये मेरा बिस्तर, यहाँ पे फ्रिज है और अभी मैं अपने नहाने के लिए पानी गर्म कर रहा हूँ क्योंकि गीजर अभी 2-4 दिन में लग जाएगा। बाकी आपको चलिए बाहर का थोड़ा व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर ये हमारी बालकनी और ये मैंने कपड़े धोए थे कल। और ये है यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर हम शाम को घूमने जाते हैं। ये पार्क है, देख पा रहे हैं। तो और चलिए अब आपको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, हमारे छत से दिख जाती है बिल्कुल नज़दीक ही। ये रही हमारी यूनिवर्सिटी, ये तो अभी थोड़ी सी है, बाकी हमारा ब्लॉक तो काफ़ी दूर है यहाँ से। और ये है वो पार्क, बाकी ये नज़ारा। ये एक गांव का एरिया, मतलब गांव ही है, घड़ाऊँ इस गांव का नाम है। और वहां पर हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, और ये सामने एक गर्ल्स हॉस्टल है और बाकी भी पीछे गर्ल्स हॉस्टल ही हैं सारे। हम यूनिवर्सिटी कैंपस से अभी तो बाहर हैं लेकिन 1 मिनट लगता है अंदर पहुंचने में। और यहां पर काफ़ी मतलब अच्छा माहौल है लेकिन गर्मी भी उतनी है। चलिए अब नीचे चलते हैं, अभी नहाएंगे धोएंगे और 9:30 बजे हम क्लास अटेंड करने जाएंगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी भी विज़िट करवाते हैं जितनी हो सके उतनी। अभी नहा धो गए हैं और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। आज करेंगे कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क। ऐसे तो हम परांठा खा लेते हैं लेकिन डेली परांठा नहीं खाएंगे, आज कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। तो चलिए अभी बना लेता हूँ मैं पहले। तैयार हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट और ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है मोबाइल में। चलिए भाई खा लीजिए, अब फिर रिव्यू देना हमें। बाकी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं गाइस और उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से 9:30 बजे कॉलेज के लिए, सॉरी यूनिवर्सिटी के लिए। अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और अभी टाइम हो गया है लगभग 9, तो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे यूनिवर्सिटी। और शिवांश मेरे मामू का बेटा भी वेट कर रहा है वहाँ पर, तो अभी चलेंगे। सामने गेट है हमारी यूनिवर्सिटी का, गेट नंबर 5, साउथ ब्लॉक गेट, यहाँ से एंटर होंगे। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इस बंदे के हैं, बिल्कुल चलना नहीं पड़ता और हमें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। चलिए अभी जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कितने दूर हमें जाना पड़ेगा। ये देखिए भाई चल पड़ा है अपना, ये इनके ब्लॉक्स हैं D4, इनका D7 है ऊपर और हमारी साइड है आगे। और हम जाएंगे यहाँ से लगभग 5-7 मिनट का पैदल रास्ता है आगे। और गर्मी बहुत है, थक जाते हैं अपने ब्लॉक तक पहुँचते पहुँचते। हालांकि एसी वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती लेकिन चलने में बहुत दिक्कत होती है। हम आपको दिखाएंगे, देखिए जगह जगह पर ऐसी शॉप्स बनी है। ये यूनिवर्सिटी हमारी, यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा है, अगर इसे घूमना चाहें तो आराम से, पूरा अगर घूमना चाहें तो 1.5-2 घंटा आराम से लग जाएगा क्योंकि बहुत ही बड़े कैंपस हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर ऐसे ई रिक्शा चले रहते हैं, स्टाफ के लिए भी होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं। और ये सारे हॉस्टल वगैरह हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये हॉस्टल है, हालांकि ये एकेडमिक्स की ब्लॉक है। और अभी तो काफ़ी कम बच्चे हैं आज, अभी आएँगे, हम थोड़ा सा पहले आ गए आज। लेकिन अभी चलिए शिवांश पहुंच चुका है जहां पर हमें मिलना था, हमारा वेट कर रहा है, अभी उससे मिलते हैं। शानू हमारा वेट कर रहा है, देखिए यहां पर, ये देखिए ये है बंदा, थोड़े तो टाइम लगा गाइस, टाइम लगता है यार, इतने पैदल चल के आना पड़ता तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है। फिलहाल अभी चलते हैं अपने ब्लॉक और ब्लॉक करते हैं वहाँ पर कंटिन्यू। ये सामने देखिए A3 ब्लॉक है और इसके अपोजिट हमारा ब्लॉक। ये बसेस चली हैं यूनिवर्सिटी की और हम जाएंगे पार्क से होते हुए, शॉर्टकट है और यहाँ से छाया मिल जाएगी हमें जाने के लिए, बढ़िया। चलिए अभी चलते हैं आगे, बहुत बड़ा पार्क है, लंच टाइम होता है, हम यहीं आते हैं, पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और फिर बढ़िया टाइम पास होता है। ये है हमारा ब्लॉक A2 ब्लॉक और 7th फ्लोर है। चढ़ते चढ़ते हालत टाइट हो जाती है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्लास रूम में जाके सारी थकान ख़त्म हो जाती क्योंकि वहाँ पर AC है, AC। ये देखिए हमारे डिपार्टमेंट की कलाकारियाँ, हम भी कभी करेंगे ऐसी कलाकारियाँ। लेवल 3 है अभी, लेवल 7 तक जाना है
तो चलते जाइए। लिफ्ट बच्चों के लिए नहीं है, फैकल्टी मेंबर्स के लिए लिफ्ट है, पैदल जाना है भाई। ये है हमारा रूम और ये हमारी लैब है, देखिए बच्चे आए हैं और ये अपनी सीट। अभी लंच टाइम हुआ है और हम खाएंगे चीज़ पैटीज। शानू बहुत मेहनत से लेके आया है, लाइन में खड़ा होके वो देख सकते हैं आप, वहाँ से लेके आया है। कितनी लाइन है भाई, भीड़ ही भीड़ है। चलिए अभी लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे सेमिनार हॉल, वहाँ पे आज एक और गेस्ट लेक्चर है। 1 बजे से लेके 3 बजे तक बोर होना पड़ेगा थोड़ा, क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल आपको दिखाएंगे आज सेमिनार हॉल कैसा है। आइए तो अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम और ये है हमारे शगुन भाई, ये राजस्थान से हैं। और ये देखिए भाई के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल से, हिमाचल से जुड़े हैं, नेर चौक से जुड़े हैं डायरेक्ट। चलिए अभी ऑडिटोरियम जाते हैं, फिर आपको वहाँ की सीन बताते हैं। ये देखिए ऑडिटोरियम कॉन्फ्रेंस हॉल, अभी गेस्ट आएंगे, आगे बच्चे भी आ रहे हैं अभी। ये भी लैब्स हैं अंदर, इनमें भी जाएंगे कभी। और ये बच्चे चल रहे हैं, हमारी क्लास उधर से ही निकल गई और शानू चले हैं यहाँ से। ये अभी सबको छुट्टी हो चुकी है और यहाँ पर सब जा रहे हैं घर अपने अपने, हम भी जा रहे हैं पीजी। अभी टाइम हो चुका है 4:45 और मैं अभी पहुँचा हूँ अपने पीजी और पसीने से लथपथ। हालांकि बारिश तो हुई थी आज, बट थोड़ी हुई, ज़्यादा नहीं हुई, गर्मी उतनी ही है। अभी मैं नहाऊंगा, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। तो अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 6:30 और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवांश, जो आए हैं काम करने के लिए यहाँ पर। फोटोशॉप और माया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है अभी लैपटॉप में, तो क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं कोर्स कर रहा हूँ एनिमेशन मल्टीमीडिया का। फोटोशॉप सीखी थोड़ी सी, जो कि हमने पहले कभी नहीं की थी, एक नया एक्सपीरियंस था लेकिन अच्छा लगा सीख के। अभी उसको क्लासेस लेंगे हम ऑनलाइन ही। बाकी ये देखिए इधर बंदे म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम निकल जाएंगे अपने डिनर के लिए अमर फूड कॉर्नर पे, वहाँ पे दिखाएंगे आपको क्या बनाया। वैसे हमने कॉल की थी, सॉरी उनकी कॉल आ गई थी, तो बोल रहे थे कि आज राजमा है और कढ़ी है, आलू जीरा रायता चपाती एंड चावल। तो चलिए जब हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं शानू को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए और फिर हम जाएंगे अमर फूड कॉर्नर, वहाँ पे खाना खाने। फिलहाल इसको छोड़ लेते हैं हॉस्टल पे। ये होने वाला है हमारा आज का डिनर और इनको नहीं मिला अभी, अभी सिर्फ हमें मिला। ये देखिए रायता है, ये कढ़ी है और ये है राजमा। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं, फिर ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू बाद में। खाना हमने खा लिया है और ठीक था खाना, अच्छा था, लेकिन मसाले थोड़े ज़्यादा और मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा थी राजमा में। 70 रुपए की डाइट है, 4 चपाती मिलेगी, थोड़े से चावल मिलेंगे और रायता मिलेगा, 2 सब्ज़ी मिलेगी। एक बार आप रिफिल करा सकते हैं, चलो ठीक था। लेकिन एक दिन हम वहाँ गए थे, साइड में भी एक शॉप है, वहाँ पे 60 रुपए में अनलिमिटेड, जितना मर्जी रिफिल कराओ जितना मर्जी खाओ 60 रुपए में अनलिमिटेड था। यहाँ पे लिमिटेड ही मिलेगा 70 में, एसी की फैसिलिटी है। चलिए अभी हम वॉक कर लेते हैं, फिर ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।